हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिको स्टडी। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरिमीटर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल का एरिया है 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें अब निकालना है इसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, हमें चाहिए होगी साइड। तो पहले हम इसकी साइड निकालते हैं। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखते हैं, जो है रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम साइड को ले सकते हैं एक्स, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए सारी साइड सेम ही होती हैं। तो लेट द साइड बी एक्स। अब यही फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, अंडर रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। एरिया दिया है हमें 36 अंडर रूट 3। अब इसको यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अंडर रूट 3, यहाँ पे 4 जाएगा मल्टीप्लाई में और अंडर रूट 3 डिवाइड में। अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और यहाँ पे आ जाएगा 4 6 24, 4 3 12, 12 + 4 = 144। तो 144 है हमारा एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा 144 अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, और ये होगा 12, यानी 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर की थी एरिया की, इसलिए साइड भी सेंटीमीटर में आएगा। 12 सेंटीमीटर आ गया है हमारा साइड। अब हम निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे 3 साइड्स हैं, तो हम यहाँ पे बस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 12, 3 2 6, 3 1 3, 36 सेंटीमीटर। यह इसका आंसर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।